ये डोम तब तक नहीं टूटेगा जब तक तुम चारों पर मैन अपनी ताकत एक साथ नहीं लगाओगे। मैं कुछ नहीं जानता, तुम्हें मारा नहीं होगा। छोटू वीडियो में आगे जाने से पहले पिछले पार्ट की कुछ चीज़ों पर नज़र डाले थे। हमने देखा था कि कैसे बर्डमैन अचानक से गायब हो जाते हैं और परमैन सेट भी। उसके बाद सुमेरे और मित्सो दोनों ही की लाइफ बहुत ही ज़्यादा चेंज हो जाती और दोनों एक दूसरे से अलग हो जाते। फिर उसके बाद एक नया सीरियल किलर पूरे जापान में या फिर ऑल ओवर वर्ल्ड में इंट्रोड्यूस होता है जो लोगों को मार रहा होता है, लेकिन सिर्फ उन्हीं लोगों को जो बूढ़े होते हैं। और फिर हम देखते हैं सुमेरे और मित्सो दोनों ही एक ही रूम में रहने वाले होते हैं एज अ पार्टनर। इस एपिसोड की शुरुआत में हम किसी को देखते हैं जिसके हाथ में तलवार होती है और वो अपने रास्ते जा रहा होता है। तभी हम पीछे मुड़ के देखते हैं तो उसने बहुत से लोगों को नीचे गिरा दिया होता है, आई मीन पूरी तरह से फिनिश ही कर दिया होता है। वो अपने घर की तरफ जा रहा होता है तभी वहाँ पे बहुत सी कार्स आती है और उसे चारों तरफ से घेर लेती है। तभी कार्स में से बहुत से सोल्जर्स निकलते हैं बाहर और कहते हैं वहीं रुक जाओ, अगर तुमने एक कदम भी आगे बढ़ाया तो हम तुम्हें मार डालेंगे। तभी एक्स कहता है मैं तुम सबको चोट नहीं पहुंचाना चाहता, तुम सब अच्छे लोग हो इसके लिए शांति से कह रहा हो चले जाओ यहाँ से वरना मैं तुम सबको ख़त्म कर दूंगा, मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता मेरे काम से ज़्यादा। तभी सोल्जर्स के चीफ कहते हैं मासूमों को मारना तुम्हारा काम है। एक्स कहता है नहीं मैं मासूमों को नहीं मारता, मैं सिर्फ उन लोगों को मारता हूँ जिन्होंने समाज में गंदगी फैलाई है, जिनकी वजह से बहुत से घर उजड़े हैं। वो कहता है जो भी है पर इंसानों की तकदीर का फैसला करने वाले तुम कौन होते हो, जो फैसले लेना है उन सभी के खिलाफ वो हम करेंगे, तुम कुछ नहीं करोगे। तभी एक्स अपनी तलवार निकालता है और कहता है मेरे पास और कोई रास्ता नहीं बचा तुम सबको मारने के सिवा, और वो अपने तलवार से उन सभी को मार देता है। उन सभी को मारने के बाद एक्स वहाँ से गायब हो जाता है। और फिर हम अगले दिन का सीन देखते हैं जहाँ पे हम सुमेरे को देख रहे होते हैं। सुमेरे अभी ब्रेकफास्ट बनाने की कोशिश कर रही होती है और जैसा हम जानते हैं सुमेरे को ब्रेकफास्ट बनाना नहीं आता, तो सभी सामान को नीचे गिरा रही होती है और पूरा किचन इधर उधर हो चुका होता है। किचन में कोई भी सामान अपनी जगह पे नहीं होता और मित्सो की शोर सुनने के बाद नींद खुल जाती है। मित्सो की नींद जैसे ही खुलती है मित्सो किचन में जाता है और वो किचन में देखते ही चौंक जाता है क्योंकि किचन पूरी तरह से बर्बाद हो चुका होता है, हर तरफ हर कुछ बिखरा हुआ होता है। मुझो कहता है सुमेरे तुम ये कर क्या रही थी। सुमेरे फिर रोते हुए कहती है मैं खाना बनाने की कोशिश कर रही थी पर मैं नहीं बना पाई। मुझो कहता है पहले रोना बंद करो। फिर मुझो सुमेरे को चुप कराता है और वो साफ करने के लिए बैठ जाता है। और मुझो की दिन की शुरुआत ऐसे ही होती है, पहले दिन होता है मुझो सुमेरे का जो साथ में रह रहे होते हैं। सुमेरे मुझो का अकेला काम करते देख वो भी मुझो की मदद के लिए बैठ जाती है। फिर हम देखते हैं सुमेरे और मित्सो दोनों साथ में काम कर रहे होते हैं पर सुमेरे को काम करने का इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं होता जिस वजह से उसके हाथ कट जाते हैं क्योंकि कांच भी गिर चुका होता है फ्लोर पे। सुमेरे को मित्सो कहता है तुम प्लीज़ दूर रहो तुम काम बढ़ा रही हो उल्टा मेरा। फिर सुमेरे दूर हो जाती है और मित्सो सारा सफाई करने के बाद सुमेरे को बैंडेज भी लगा देता है। बैंडेज लगाने के बाद मित्सो सुमेरे के ऊपर हंसने लगता है। सुमेरे कहती है अब तुम हंस क्यों रहे हो। मित्सो कहता है तुम कैसे बोल रही थी रो रही थी तुम, बस सामान ही तो नीचे गिर गया था। सुमेरे कहती है वो मैं कुछ ज़्यादा इमोशनल हुई इसके लिए। मित्सो कहता है क्या सच में। सुमेरे कहती है हाँ मैं सच बोल रही हूँ, पर मित्सो सुमेरे की बात पे विश्वास नहीं कर रहा होता है और बार बार सुमेरे को टीज कर रहा होता है। सुमेरे कहती है ओ प्लीज़ बंद करो ये सब। तभी मित्सो कहता है मैं क्यों बंद करूँ तुम्हारी गलती है, तुम रो क्यों रही थी वो भी इतनी छोटी सी बात के लिए। सुमेरे मित्सो को रोक रही होती है लेकिन मित्सो उसे बार बार टीज किया जा रहा होता है, इसलिए जब सुमेरे मित्सो के कुछ ज़्यादा क्लोज जाके उसे रोकने की कोशिश करती है उसका पैर फिसल जाता है और वो मित्सो के ऊपर ही गिर जाती है। इस वक्त सुमेरे का सर मित्सो के चेस्ट पे होता है और सुमेरे मित्सो के दिल की धड़कन सुन पा रही होती है। समय के साथ साथ मित्सो के दिल की धड़कन बहुत ज़्यादा तेज होती जा रही होती है और सुमेरे उसे सुन रही होती है। तभी मित्सो कहता है उठ भी जाओ कितने देर रहने का प्लान है, तुम बहुत भारी हो मुझे बहुत वजन लग रहा है। सुमेरे तभी उठती है और मित्सो को मारती है और कहती है मैं इतनी भी भारी नहीं हूँ। मित्सो कहता है हाँ जो उठाएगा उसे पता चलता है कितनी भारी हो तुम। सुमेरे कहती है मेरे पास एक सवाल है मित्सो, क्या तुम उसका जवाब दोगे। मित्सो कहता है हाँ ज़रूर क्यों नहीं। सुमेरे कहती है जब मैं स्कूल में आई और मुझे पता चला तुम मेरे पार्टनर हो तब मैंने तुम्हारे बारे में बहुत सी अफवाहें सुनी स्कूल में और वो लोग सिर्फ तुम्हारे बारे में ही बात कर रहे थे, उन लोग को बहुत गलत फहमी है तुम्हारे कैरेक्टर को लेकर, तुम वो क्लियर क्यों नहीं करते। मित्सो कहता है मुझे क्लियर करने की ज़रूरत नहीं है, उन लोग को मैं जैसा दिखता हूँ वैसे सोचते हैं उन लोग।
मैं वैसे एक दिन भी गया था स्कूल, उसके बाद तो मैं कभी गया ही नहीं। तो मेरे कहती फिर तुम्हें जाना चाहिए ना। मैं जो कहता नहीं, मुझे वहाँ पर नहीं जाना और मेरे मार्क्स अच्छे आ ही जाते हैं, इसलिए मैं वहाँ पर जाना नहीं चाहता। तो मेरे कहती कल से तुम मेरे साथ चलोगे। मिर्चो कहता मैं नहीं जाने वाला। तो मेरे के बार बार कहने पे मिर्चो मान नहीं रहा होता है, इसलिए जुमेरे मिर्चो को धक्का दे देती है और मिर्चो जमीन पर लेट जाता है और जुमेरे उसके ऊपर जोर से जाके कूद के बैठ जाती है। मिर्चो कहता मर गया, मेरे को बहुत दर्द हो रहा है, प्लीज उठ जाओ, तुम बहुत भारी हो। तो मेरे कहती है अगर तुम चाहते हो मैं तुम्हारे ऊपर से उठ जाऊँ तो तुम्हें मेरे साथ स्कूल चलना होगा। मिर्चो कहता है फिर वही बात, मैं नहीं जाना चाहता स्कूल। मेरे कहती है तो फिर मैं भी नहीं उठूंगी। मिर्चो कहता है प्लीज़ उठ जाओ ना, तुम बहुत भारी हो। मेरे कहती है ऐसे कह रहे हो जैसे तुम्हारे पर पहाड़ टूट पड़ा है, मैं इतनी भी भारी नहीं हूँ। मिर्चो कहता है मुझे ऐसा लग रहा है मैं मर जाऊँगा, प्लीज़ उठ जाओ मेरे ऊपर से। तो मेरे कहती फिर मान जाओ मेरे साथ स्कूल चलो। मिर्चो कहता है ठीक है मैं चलूँगा, मैं मान गया। आखिरकार मिर्चो मान ही जाता है आज स्कूल जाने के लिए। फिर तभी सुमेरे मिर्चो से पूछती है तुमने उस लड़के को क्यों मारा था उस समय। मिर्चो कहता है किस लड़के को, मैंने किसी को नहीं मारा था। तो मेरे कहती तुमने सेरेमनी के टाइम मारा था ना एक लड़के को। मिर्चो कहता है उससे, हाँ उससे मेरी कुछ पर्सनली दुश्मनी थी इसलिए मैंने मारा। तो मेरे कहती है कौन सी ऐसी पर्सनली दुश्मनी। मिर्चो कहता है मैं आपको वो नहीं बता सकता, मुझे माफ़ करना। तो मेरे कहती है ठीक है कभी मौका मिले तो बता ही देना। मिर्चो कहता है फिर वही बात, मैंने कहा ना मैं नहीं बता सकता। तो मेरे कहती है कम ऑन मुझे बता देना, मैं सुनना चाहूँगी। मिर्चो कहता है फिर से। मेरे कहती है छोड़ो हम चलो टीवी देखते हैं। फिर वो दोनों टीवी देखने लगते हैं और टीवी पे वही किलर का न्यूज़ आ रहा होता है। न्यूज़ में बताया जा रहा होता है कि जिन जिन लोगों को उसने मारा है वो सभी का ताल्लुक डायरेक्ट अंडरवर्ल्ड से था। तभी मिर्चो सोचता है तो वो सब अंडरवर्ल्ड के सोल्जर्स थे, मतलब वो लोग रियल सोल्जर नहीं थे। अच्छा हुआ मैंने उन सबको मार दिया। तभी सुमेरे कहती है मिर्चो तुमने कुछ बोला। मिर्चो कहता नहीं मैंने कुछ नहीं बोला। तभी सुमेरे मिर्चो से पूछती है तुम क्या सोचते हो इस इंसान के बारे में जिसे लोग मसीहा भी मानते हैं और जिसे लोग क्रिमिनल भी कहते हैं। मिर्चो कहता है मेरे से पहले तुम क्या सोचती हो इसके बारे में। सुमेरे कहती है मेरे ख्याल से ये बहुत ही बुरा इंसान है जो लोगों को बिना गलतियों के मारता है। तभी मिर्चो कहता है ये जिन लोगों को भी मारा है इसने वह सब तो अंडरवर्ल्ड से रिलेट करते हैं और जो अंडरवर्ल्ड से होते हैं वो ब्लैक मार्केटिंग काला धंधा ये सब करते तो लोग कैसे अच्छे हो गए। सुमेरे कहती है फिर भी उसे उन लोगों की जान नहीं लेनी चाहिए, उसे कोई हक नहीं है लोगों को मारने का। तभी मिर्चो कहता है तुम अच्छी हो इसके लिए दूसरों के बारे में अच्छा सोचती हो, लेकिन शायद उसकी कोई वजह भी हो सकती है उन लोगों को मारने की। हम किसी को जज नहीं कर सकते बिना उसकी पास्ट को जाने हुए। तो मेरे कहती है उसके साथ जो भी बुरा हुआ है लेकिन इसका कोई हक नहीं बनता कि दूसरों को भी हो वही दर्द एहसास दिलाए जो उसके साथ हुआ है। मित्रो कहते हैं शायद हम दोनों की राय इसमें बहुत अलग है, तुम अच्छी हो सुमेरे लेकिन मेरी राय उसके साथ ही है। मेरे हिसाब से वो सही है और वो जो कर रहा है वो बहुत सही कर रहा है। और मिर्चो ये कह के अपने कमरे में चला जाता है और तभी सुमेरे सोच में पड़ जाती है क्या ये वही मिर्चो है जिसे वो जानती थी बचपन में जो इतना बदल चुका है। तो गाइस मैं सुमेरे स्ट्रगल के लास्ट पार्ट पे कुछ ज़्यादा ही फोकस कर रहा हूँ, इसलिए पार्ट बहुत ही बोरिंग और बहुत ही अलग या बहुत ही बेकार बनी होगी मुझे पता है। बाय द वे अगर तुम्हें ये वीडियो अच्छी लगी होगी चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक करना भूलना मत। सुमेरे स्ट्रगल का नेक्स्ट पार्ट या फिर कहूँ लास्ट पार्ट जल्दी आ जाएगी और बहुत ही लंबी वाली वीडियो होने वाली है, उसी पे मैं अभी भी काम कर रहा हूँ। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, टेक केयर एंड बाय बाय।